किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत उसे चमका देती है, और ये बात बखूबी समझते हैं हमारे पांड्या स्टोर के घर वाले। और इनके बीच भी है प्यार अटूट, तभी तो हर सिचुएशन का करते हैं ये सब मिलकर सामना। कुछ ऐसा ही है पांड्या स्टोर के घर वालों का प्यार। तो क्या कुछ हो रहा है आज पांड्या स्टोर की इस कहानी में, लेकर चलते हैं आपको फटाफट यहाँ। स्टार प्लस के सीरियल पांड्या स्टोर में हो रही है क्रिश और प्रेरणा की शादी, लेकिन इस शादी में है कई सारे गोलमाल। कभी दूल्हा बदलता है तो कभी दुल्हन, लेकिन असली दूल्हा दुल्हन यानी कि क्रिश और प्रेरणा ही शादी से नदारद है। ये समझ में नहीं आ रहा पूरी मार्केट में आप क्यों करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, और हमारी फैमिली हमें सुनने को रेडी नहीं हो रही है। क्रिश बेटा, शादी से पहले इस तरह उसके कमरे में नहीं बैठ सकते। मां एक मिनट, मॉम हमारी बात तो सुनो। अरे मॉम एक सेकंड सुन, बोलो ना क्रिश। बेबी मॉम सुनो तो सही। तो वहीं श्वेता चल रही है षड्यंत्र। वो चाहती है कि श्वेता की शादी क्रिश से हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो दूल्हा ही बदल गया है। तो भाई अब देखना होगा कि फाइनली किसकी शादी किससे हो पाती है। श्वेता के प्लान, श्वेता ऐसा कैसे जाने दे सकती है क्रिश को इतनी आसानी से। तो आप देख रहे होंगे मैंने गेटअप भी लिया है श्वेता से, थोड़ा हटकर मैं मेहंदी लगाने वाली बनकर आई हूँ और यहीं टिक गई हूँ अभी तक। कभी कभी मुझे लगता है कि श्वेता कैसे कर जाती है सब कुछ। तो मैं मेहंदी लगाने आई थी और मैं यहीं की हो गई, और अभी मैं पीछे पीछे धरा दी के सारी चीज़ें कर रही हूँ, देख रही हूँ, पता चल जाए मुझे उनकी क्या कर रही हैं वो, तो मैं उनका प्लान फ्लॉप कर सकूँ। तो वही सब चल रहा है। तो मुझे पता चल गया है कि नकली दूल्हा आया है, क्रिश वहाँ पर नहीं है। तो अभी ये जानने के लिए कि धरा दी ने क्या करा है, नकली दूल्हा तो दुल्हन भी होगी, कुछ तो उनके दिमाग में चल रहा है। सो मैं वही देखने के लिए इधर से उधर भाग रही हूँ, एक कमरे से दूसरे कमरे में, ताकि मुझे कोई पकड़ लूँ मैं किसी दुल्हन को, या कुछ भी मुझे उनके खिलाफ सबूत मिल जाए। चारा निकल दे अभी, सरप्राइज है। चारा मत हटाना। अब वो मैं तो आपकी मदद कर रही हूँ, ये कह के वो पंडित जी ने कहा ना उल्का पंड का प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे उन्होंने बोला कि शादी के टाइम नहीं चेहरा दिखाना है, अभी शादी थोड़ी हो रही, तो जल्दी आ इधर। जी जी माँ। हाय, मर गई मर गई मर गई, सॉलिड मर गई, सॉलिड मर गई थोड़ा पंडित। क्या हुआ बेटा? अभी टाइम नहीं है समझाने का, अपने दोनों का ध्यान रखना, फिर वापस देख कर आती हूँ, बड़ा कांड होने वाला है। ठीक है बेटा। कौन सा सरप्राइज मां, पहले तू मेरे पीछे पड़ गई कि इसको लेके आ, तू बार बार फोन कर रहा था कि गौरी गणेश की पूजा, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, अभी तू बोल रही है सरप्राइज है। क्रिशु निकालना, लगता है इसके हाथ पैर ठंडे हो गए, मैं करता हूं घूम। हे शिवा, क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? वो माने बोला इसको सेहरा खोलने के लिए, घूम के खड़ा हो गया तो खोल रहा हूँ। दूल्हे का सेहरा निकाल जाएगा, कोई फूल खराब हो जाएंगे, स्पेशल सेहरा बनवाया दूल्हे के लिए। भाभी कोई फूल खराब नहीं हो गया, देखो मैंने भी तो हटाया सेहरा। हाँ तो ऐसा कोई रूल बन गया कि तूने सेहरा निकाला है तो दूल्हे को भी सेहरा निकालना पड़ेगा। अपने काम से काम रखा कर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।